हाय गाइस वेलकम। तो पाकिस्तान का सीन हो चुका है लगभग पूरा, बस ऊपर से दिख रहा है कि हाँ शायद थोड़ा ठीक ठाक है, वरना इनका काम हो चुका है ऑलमोस्ट। ऑन ग्राउंड तो सिचुएशन बहुत बुरी है, लेकिन इसी बुरी सिचुएशन के बीच आपको एक चीज बताऊं, इंडिया भी कहीं ना रिस्पॉन्सिबल है जो वहां हो रहा है उसके लिए। मतलब हम ऐसे कोई डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन हमने इनको लात मारी जरूर थी। कैसे देखो बताता हूँ। तो याद है 2016 में हमारे प्रधानमंत्री आए थे टीवी पे और कुछ ऐसा बोल के गए थे कि रात में वहां पर जिसने भी वो न्यूज सुनी लगभग सबकी तस्वीर फट गई थी। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये इंडिया की बात थी, लेकिन पाकिस्तान में जो हुआ ना इसकी वजह से वो तो अलग ही लेवल था। इंडिया में फेक करेंसी जो रेगुलेट होती थी उसका 40% हैंडल करने वाला पाकिस्तानी जावेद खानानी ने उसके कुछ समय बाद सुसाइड कर लिया था। आज पाकिस्तान की जो हालत है शायद ये नहीं होती अगर उस दिन वो नोटबंदी ना की जाती तो। ये फेक करेंसी प्रिंटिंग का एक तरह से पूरा बिजनेस चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, और उस समय ही लगभग हर साल 500 करोड़ से भी ज्यादा का फायदा पाकिस्तान को इससे होता था। समझ रहे हो पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए कितना अच्छा खासा अमाउंट है ये। पर अफसोस हुआ बिल्कुल उसका उल्टा, एक झटके में ये सारा धंधा बंद हो गया और वो 500 और 1000 के फेक नोट बिल्कुल रद्दी बन के रह गए। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि ये होता कैसे था। तो इंडिया में 1000 रुपए के नोट को प्रिंट करने में RBI को लगते थे 29 रुपीस, और वही 39-40 रुपीस में पाकिस्तान भी नोट्स को प्रिंट कर दे रहा था। हाँ क्वालिटी या बाकी चीजें बिल्कुल असली नोट जैसी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इतनी सिमिलर होती थी कि डिटेल में एनालिसिस ना किया जाए तो पता लगाना लगभग नामुमकिन होता था कि कौन सा असली करेंसी है और कौन सी नकली। यानी इन नोट्स को बनाने के बाद में हवाला के थ्रू इवन टेररिस्ट के थ्रू इंडिया में और बाकी के कंट्रीज में डंप किया जाता था, जहां 500 और 1000% के मार्जिन रख करके भी इन नोट्स को बेचा जाता था। और उससे डायरेक्ट फायदा किसको मिल रहा था? पाकिस्तान को। इस सब का लगभग 40% हिसाब किताब ये बेवड़ा देखता था। इसने 10 साल में 2006 से 2016 तक, जब तक ये गया नहीं था ऊपर, तब तक 2,00,000 करोड़ से भी ज्यादा की इंडियन फेक करेंसी इंडिया में डंप की थी। और जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ इस बेवड़े का तो घर बार उजड़ गया। फिर क्या करता है, कर दिया इसने सुसाइड। इस नोटबंदी का इतना बड़ा झटका लगा था उनको कि ISI को अपने हवाला रूट्स को वापस से एक्टिवेट करने में 3 साल लग गए। लेकिन ये लोग हैं बड़े हरामी, और इसके बाद भी इंडिया के नए नोट्स की कॉपी बनानी इन लोगों ने शुरू कर दी। मतलब कोशिश तो की थी, लेकिन इसमें ये लोग कामयाब नहीं हो पाए। बिल्कुल क्लियरली वो नए नोट्स जो ये बना रहे हैं वो पता चल जा रहा है कि वो नकली नोट्स हैं। साथ ही कई तो ऐसे नोट्स पकड़े गए हैं कि इन्होंने सिर्फ कलर फोटोकॉपी कर दी उनकी, सीरियल नंबर तक सेम है नोट्स का। तो बहुत सी वैसी ऐसी चीजें हैं जिसने इन पाकिस्तानी बेवड़ों को आज इस हालत में ला के रखा है जहां ये अभी हैं। लेकिन हाँ, इंडियन डिमोनेटाइजेशन भी कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ पहलू है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। इनकी हालत अभी में फिलहाल बहुत खराब हो रही है, इमरान खान की वजह से शायद सिविल वॉर के चांसेस भी लग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। खैर हमें क्या, इन लोगों का खुद का खुदा हुआ गड्ढा है ये। एक एक बाल की पॉपकॉर्न उठाओ आप लोग और एज एन इंडियन एंजॉय करो, और क्या। बाकी कुछ कहना है तो इंस्टा पे आ जाओ, मैं पहले एक्टिव नहीं था, अभी इंस्टा पे एक्टिव रहूंगा। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।